रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई के फैसले के मुताबिक 2000 रुपए का नोट अब चलन में नहीं होगा और 30 सितंबर 2023 के बाद ये नोट बैंक के सर्कुलेशन से भी हट जाएंगे। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है आरबीआई के इस फैसले पर, सुनिए। ये बहुत पहले ही लेना चाहिए, ये सरकार को बहुत पहले ही लेना चाहिए। विलम्ब जो हुआ है ये उचित नहीं हुआ, पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। क्या इसका क्या गरीब का कल्याण होगा? कल्याण गरीब का कल्याण होगा। काला धन निकलेगा सर लोगों के पास, जो दो नंबर का पैसा सब बाहर हो जाएगा, अब आगे बंद हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि पहले होना चाहिए? बहुत पहले होना चाहिए था, जिस समय उसको नोट किया था बंद उसी समय होना चाहिए था, बहुत डिले से हुआ। मैंने 2000 अब खाली जो घूस में देता है ना, 2000 वाला नोट दे, 500 वाला कोई नहीं लेता है। बढ़िया हुआ है, 2000 का नोट था कहाँ प्रचलन में, सब तो ब्लैक मनी वालों के पास चला गया था। 2020 से ही आरबीआई वाच कर रहा था, 2020 में 50% हो गया था सर्कुलेशन, अभी जाकर के 80% सर्कुलेशन कम हो गया। तो 20% तो मार्केट में था, 80% तो ब्लैक मनी वालों के पास था, तो बंद किया है तो ब्लैक मनी वाले फंसे। ठीक है, वो सरकार का निर्णय है, जो सरकार का निर्णय है वो सही है, कुछ न कुछ सोच करके सरकार ने किया होगा, इसलिए ठीक है। क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, चूँकि 3-4 महीने का समय दिया गया है, इसी बीच में जिनके पास है वो बैंक में जमा कर दें या बदल लें या जो करें, इसीलिए ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आज के दिन जब सब जगह डिजिटल पेमेंट और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बड़े नोट का होना तात्पर्य नहीं रखता है, छोटा नोट ही होना चाहिए, इससे ब्लैक जो मनी है उसका संचय ज़्यादा नहीं हो सके। तो एक तरह से ये डिसीजन सही डिसीजन है, और ये नोटबंदी कहाँ है, ये तो नोट रिप्लेसमेंट है एक तरह से, तो लोग को मौका दिया जा रहा है। हमको तो ऐसे देख नहीं रहे, ऐसे मिल नहीं रहा है कि मतलब मार्केट में बहुत ही कम 1, 2, 3, 5 है, तो सफिशियंट समय उसमें मिल बन भी जाएगा। और इसके इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटा नोट ही होना ठीक है, बड़ा नोट तो बहुत लोग को पहले ज़्यादा संचय था कि 1000 का बंद करके 2000 लाने का वो औचित्य, तो ये तो नोट इसके विरुद्ध हो गया। ब्लैक मार्केटिंग का तो और ज़्यादा ब्लैक मनी का वो तो प्रचलन और बढ़ने की उम्मीद थी। तो ठीक है, अब लोग इसको डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब प्रचलन ही नहीं है उसे लोग का इफेक्ट नहीं है, बड़े लोग छोटे लोग के पास जो भी लोग कामगार हैं और काम कर रहे हैं उनके पास वो 2000 का है नहीं, और जो है वो बदल सकते हैं। बंद होना उचित है, बंद होने से जो है जो दो नंबर का पैसा लोग दबाए हुए थे वो बाहर फ्लोट कर जाएगा, लेकिन इसके बदले में कुछ नोट, दूसरा छोटा नोट आना चाहिए, और मार्केट में सरकार को चाहिए कि एक नोट और छोटा आना चाहिए। बड़े नोट से लोगों को ब्लैक मार्केटिंग होता है, लोग दबाते हैं, इसलिए एक रूप से सही है। या दूसरा ये दूसरा भी पहलू है कि लोग कैरी करते हैं, कहीं पर परिवार फैमिली लेके जाते हैं तो थोड़ा सा बड़े नोट रहने से सुविधा भी होता है, लेकिन ज़्यादा नोट ये दबाना उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।